नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 द्वितीय चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी नगर निगम के 215 और अरेराज नगर पंचायत के 28 बूथ यानी कुल 243 बूथों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि मोतिहारी नगर निगम से मेयर पद पर 18, उप मेयर पद पर 24 जबकि नगर निगम के कुल 46 वार्ड से वार्ड पार्षद पद पर कुल 371 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला करने के लिए मोतिहारी नगर निगम के करीब 2,20,000 मतदाता इस कड़ाके की ठंड में लाइन में लगकर वोट कर रहे हैं। वहीं अरेराज नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद के लिए 14 और उप मुख्य पार्षद पद के लिए 9 वार्ड के लिए 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कड़ाके की ठंड में भी मतदाता कतार में लगकर मतदान करने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। मतदाताओं पर ठंड का असर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मतदाता के उत्साह के आगे कड़ाके की ठंड और कुहासे का कोई असर नहीं दिख रहा है। आज मोतिहारी समाहरणालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में अवस्थित जिला नियंत्रण कक्ष से नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम में कार्यरत वरीय उप समाहर्ता पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने को लेकर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है। जिला नियंत्रण कक्ष से बूथों की निगरानी की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आज पूरे दिन हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।